दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर के क्वार्टर 2 के आंकड़ों के बारे में। दोस्तों अभी तक कंपनी के रिजल्ट नहीं आए हैं, रिजल्ट से पहले ये हमारा प्रेडिक्शन वीडियो है जो कि यहाँ पे डिसाइड करेगा कि स्टॉक के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट भाई, अभी ये टाइम ग्लोबली मार्केट से बहुत ही नेगेटिव संकेत आ रहे हैं जो कि मंडे को हमें यहाँ पे स्टॉक का रिजल्ट अगर बेटर आता है, मान के चलो मार्केट ने यहाँ से अगर एक्सपेक्टेशन लगाई है कि कंपनी 300 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, अगर कंपनी 300 करोड़ का प्रॉफिट नहीं करके 400 करोड़ का या 350 करोड़ का प्रॉफिट कर देती है तो उस पर शेयर में यहाँ पे थोड़ा सा ओवर रेट यानी कि तेजी में देखने को मिल सकता है। बाकी अगर मार्केट ने भाई 250 करोड़ का प्रॉफिट मतलब यहाँ पे अनुमान लगाया एंड कंपनी ने इतना ही प्रॉफिट किया तो स्टॉक में रैली नहीं आएगी, क्योंकि अभी के टाइम इस प्रकार मार्केट के सेंटीमेंट से भाई बहुत ही नेगेटिव बने। एंड एक बड़ी नेगेटिव अपडेट फिर से आ चुकी है मार्केट की, जो इजराइल एंड जो ईरान है उसके बीच की। यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि 1 अक्टूबर को भाई जो यहाँ पे ईरान है, ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, उसका दोस्तों अभी तक जो इजराइल है उसने बदला नहीं लिया। एंड ऐसा कभी हुआ नहीं कि इजराइल पर कोई अटैक करे एंड इजराइल बदला ना ले। तो भाई आज आपने देखा कि 26 अक्टूबर को भाई जो यहाँ पे आपका इजराइल है, इजराइल ने ईरान पर भाई अटैक कर दिया, बट इससे इसमें देखिए ईरान को कोई घातक नुकसान नहीं हुआ। परमाणु हथियार एंड उनका जो भाई यहाँ पे जो ईंधन है, ईंधन का जो यहाँ पे खजाना है वो सेफ है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। क्योंकि भाई देखिए जो दुनिया है अगर उस पर अटैक हो जाता ना तो आपका जो दुनिया है भाई यहाँ पे वर्ल्ड वॉर की तरफ यहाँ पे अग्रसर हो जाती, क्योंकि भाई उस पर पता है अगर उस पर अटैक होता तो महंगाई अपनी चरम सीमा पर आती। तो अच्छी बात है कि यहाँ पे वो चीज़ सुरक्षित है एंड इसराइल ने सबसे अच्छा काम किया कि उस पर अटैक नहीं किया। तो ये चीज़ें हैं, आप इस पर देखते हैं मंडे को अपना मार्केट कैसे रिएक्ट करता है एंड यहाँ से चांस है कि मार्केट वोलेटिलिटी दिखा दे। अब मैं बात करता हूँ जेपी पावर के क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट इस बार कैसे रहेंगे। हालांकि देखिए रिजल्ट कंपनी के बहुत ही अच्छे रहने की उम्मीद है एंड जिस प्रकार यहाँ पे स्टॉक का प्राइस जब ये टाइम गिर रहा है मार्केट की वजह से गिर रहा है, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स आपको पता कैसे हैं, कुछ भी चीज़ें निकल के आ जाती है, कभी एफआई सेलिंग कर रहा है, कभी चाइना से आता है, कभी इंडिया से कुछ होता है, कभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कई सारी चीज़ें के टाइम थोड़ी सी नेगेटिव बनी हुई है। बट अच्छी बात है कि शेयर का जो पी है के टाइम 7 का देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अंडरवैल्यूड है कंपनी अपने ही यहाँ पे व्यू के अकॉर्डिंग। एंड स्टॉक का जो यहाँ पे बुक वैल्यू है हमें 16-17 के आसपास नजर आ रहा है, जो कि हर क्वार्टर बढ़ रहा है, क्योंकि भाई कंपनी ने हमने देखा कि लैंड्स वगैरह यहाँ पे बाई किए, क्योंकि कंपनी नए प्लांट्स लगा सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हमें बेटर लग रही है कि कंपनी अभी के टाइम अपने आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है एंड हो भी रही है। अब यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखोगे तो बैक टू बैक भाई यहाँ से इतनी तीव्र गति से फिसला है जितनी तीव्र गति से शेयर भागा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो धीरे धीरे भागा था, बट भाई जिस कदर शेयर में गिरावट दिखाई है बहुत ही पैनिक गिरावट हमें स्टॉक में नजर आई, वो भी वॉल्यूम के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिक वाले हुई है, जो लोग बिगिनर्स थे जिन्होंने हाल ही में बाई किया था वो सभी लोग डर के सेल करके बाहर निकले। एंड अभी के टाइम में बात करूँगा टोटली रिजल्ट के बारे में जो कि क्या है। तो यहाँ पर एक बार आप रिजल्ट पर नजर डालो दोस्तों, देखिए जो रिजल्ट आने वाले हैं यहाँ पे जो यहाँ पे आपका सितंबर है इसका रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ पे हमारे सामने सितंबर का 2023 का भी है, 2022 का भी है एंड 2021 का भी आंकड़ा है एंड ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर हम यहाँ पे 3 साल का रिजल्ट अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करेंगे इस क्वार्टर में रिजल्ट कैसा रह सकता है। हालांकि पिछले क्वार्टर में देखो तो भाई कंपनी के सेल्स में मार्च के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती हुई नजर आई थी। अगर अब मैं बात करूँ 2023 सितंबर की तो 1350 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था, इसके लास्ट ईयर कंपनी की 1385 करोड़ की सेल्स थी। अगर ईयर टू ईयर में बात करूँ थोड़ी सी गिरावट थी, फिर यहाँ से अगर मैं ईयर टू ईयर बात करूँ तो ईयर टू ईयर में ग्रोथ दिखी थी। अब यहाँ पे अगर क्वार्टर क्वार्टर में यहाँ पे जून के रिजल्ट से सितंबर को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो गिरावट थी, यहाँ पे आप देखोगे गिरावट थी, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो भाई हमें गिरावट थोड़ी सी देखने को मिल सकती है जो यहाँ पे रिजल्ट आने वाला। इसमें दोस्तों देखिए सीधा सीधा सिंपल फंडा ये कि कंपनी की अगर मैं सेल्स की बात करूँ रह सकती है रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भाई हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 1500 करोड़ की ऑलराउंड का कंपनी का रेवेन्यू रह सकता है। एंड अगर 1500 करोड़ का भी रेवेन्यू रहता है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेन ये कि कंपनी का जो प्रॉफिट है क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा सा घट सकता है, बट ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट हमें इंक्रीज होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भाई कंपनी ने 349 करोड़ का प्रॉफिट किया था, तो चांस तो है नहीं कि भाई इस क्वार्टर में कंपनी 400 करोड़ का प्रॉफिट कर दे, 500 करोड़ का प्रॉफिट कर दे, इतना आसान नहीं होगा। बट फिर भी अगर कंपनी इस क्वार्टर में भाई ऑलमोस्ट 300 करोड़ का भी प्रॉफिट जनरेट करती है तो लास्ट ईयर क्वार्टर में आपने देखा था कि 69 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर क्वार्टर से कितना प्रॉफिट हो जाएगा 200 से 250% की तगड़ी ग्रोथ यहाँ पे। तो ये ग्रोथ मार्केट के लिए बहुत ही बड़ी ग्रोथ होती है किसी भी स्टॉक के लिए, क्योंकि कंपनी ईयर टू ईयर कैसा प्रदर्शन कर रही है, FIDI बड़े प्लेयर है जो यही देखते हैं। लेकिन हम जो रिटेल क्या करते हैं कि भाई पिछले क्वार्टर में तो कंपनी ने 350 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस क्वार्टर में कंपनी 300 रुपये कर रही है, तो ये तो गलत है, कंपनी का प्रॉफिट तो घट रहा है। बट भाई ईयर ऑन ईयर देखो आप यहाँ पे एक बार, यहाँ पे देखा था 69 का था, यहाँ पे देखा था 75 का था, यहाँ पे देखा था 1 करोड़ का माइनस था, तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो कंपनी की ग्रोथ हमें कंटिन्यू नजर आ रही है। इस क्वार्टर में कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट करती है, वो भी कंपनी के ईयर टू ईयर बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होगा। तो ये रिजल्ट की प्रेडिक्शन है कि मैंने एक ही चीज देखी है कि 1500 करोड़ के ऑलराउंड तो कंपनी का रेवेन्यू रह सकता है, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ प्लस रहने की उम्मीद है। अगर हम एवरेज देखें तो आप मान के चलो कि 1450 करोड़ प्लस एंड 1700 करोड़ के नीचे ये कंपनी का रेवेन्यू रह सकता है। प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 180 करोड़ एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 230 करोड़, इनके बीच हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट देख सकता है, ठीक है। एंड इसी के साथ अगर मैं देखें 230 करोड़, क्योंकि मान के चलिए मेन जो सारा गेम है वो है आपका ओपनिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में ये बहुत ही तगड़े रहे हैं, अगर इस क्वार्टर में भी इतने ही रहते तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रॉफिट में। बट अगर ये मान के चलो यहाँ से इतने आ जाते हैं वापस से इतने 31-32 में आ जाते तो फिर प्रॉफिट घट सकता है भाई, फिर प्रॉफिट कंपनी का 150-120 करोड़ भी आ सकता है, बट नेट प्रॉफिट कंपनी के सेम रहने चाहिए। अगर ये घट गया तो फिर तो काम ही खराब हो जाएगा। अगर मेन चीज़ अपन देख लेते हैं टाइम दोस्तों, जो शेयर होल्डिंग डाटा यहाँ पे निकल के आया था भाई, आपका FI कंटिन्यू माल खरीद रहा है, DI का डाटा देखोगे DI ने इस क्वार्टर में माल खरीदा है, पब्लिक का माल का हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज कहूँगा कि रिजल्ट दोस्तों अभी तक आया नहीं है, रिजल्ट आते हैं मैं आपको जो रिजल्ट का यहाँ पे प्रॉपर वीडियो वो आपको मिल जाएगा, ये रिजल्ट का हमारा प्रेडिक्शन वीडियो जिसमें आपको चीजें समझ आएगी कि रिजल्ट कैसा रह सकता है, मार्केट का अनुमान एंड अभी के टाइम सेंटीमेंट्स की क्या किस पे रिएक्ट करेगा क्या नहीं करेगा वो चीज़ है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो था एंड आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे, रिजल्ट आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का, इसलिए सब्सक्राइब।